dear students i welcome you in the course of leadership emotional intelligence and decision making this is module number 110 and we are going to talk about how ethical or unethical are you idea in practice as we have discussed in the terms of idea and brief that many people assume as if they are ethical most of the time perhaps all the time लेकिन ये तभी जा हम जान पाएंगे जब हम रीजन एंड लॉजिक को यूज करेंगे जब हम ऑडिट करेंगे अपने फैसलों का कि आया हमारा कंडक्ट एथिकल था भी या नहीं इस चीज को जब हम आइडिया इन प्रैक्टिस में देखते हैं देर आर सर्टन इन माइंड कि अक्सर औकात हमारे फैसले में अनकॉन्शियस बायसेस वो प्रिवेल कर रही होती हैं और अनकॉन्शियस बायसेस की वजह से हम जज नहीं कर पाते कि कहां पर हम बायस्ड हो गए और कहां पर हमारा एटीट्यूड वो हमारी डिसीजन मेकिंग को डिस्टॉर्ट वो कर गया समटाइम्स इवन ये भी मुमकिन हो सकता है कि हम जेक्स कर दें फिजिकल डिसबिलिटी को मेंटल डिसबिलिटी के साथ और हम इस बात को ना जान पाए कि आया मेंटल डिसेबिलिटी का कोई ताल्लुक फिजिकल डिसबिलिटी के साथ है या नहीं इसी तरह जब हम अनकॉन्शियस बायसेस की बात करते हैं तो मैनी टाइम्स

जैसा कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हम एक टिपिकल एक्सप्रेशन कोट करते हैं कि वी हैव टू सेलेक्ट द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम तो वो राइट right पर्सन हम इवेल्यूएट नहीं कर पाएंगे अगर हम अपनी बायसेस को ओवरकम करना नहीं जानते हैं रिमेंबर कि वी ऑल्सो नीड टू सी कि हमारा इन ग्रुप फेवरेटिज्म किन लोगों के साथ है और क्यों कर है अब इन ग्रुप से रिलेटेड हमारा जो फेवरेटिज्म है उसके बारे में योर ऑथर सेज दैट ग्रांटिंग फेवर टू पीपल विथ योर बैकग्राउंड विद बैकग्राउंड सिमिलर टू यू सो हम उनको गैर इरादी तौर पर सपोर्ट कर रहे होते हैं सेकेंडली हम डिस्क्रिमिनेट कर जाते हैं उन तमाम लोगों के साथ जो हम जैसे नहीं हैं एंड दैट डा डिस्क्रिमिनेशन कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ एज जेंडर टनियोर मेरिटल स्टेटस सेक्ट कास्ट रिलीजन नेशनैलिटी बॉडी कलर देर कैन बी सो मैनी वेज जिनमें के डाइवर्सिटी प्रिवेल कर सकती है और उस डाइवर्सिटी को हम नजरअंदाज कर देते हैं हम डिस्क्रिमिनेशन की तरफ चले जाते हैं जब हम इन ग्रुप फेवरेटिज्म को सपोर्ट करेंगे लाइकवाइज वी हैव टू बी फोकस्ड कि हम प्रमोट करें सिर्फ उन लोगों को जो कैपेबल हैं और अगर वो कैपेबल चाहे इन ग्रुप के हैं या आउट ग्रुप के हैं वी हैव टू सपोर्ट एंड प्रमोट ऑल वी हैव टू क्रिएट एन एनवायरमेंट जिसमें के ट्रस्ट वो प्रिवेल कर रहा हो जिसमें के लोगों को अपना आप एज एलियन वो ना फील हो देयरफॉर फोर इसी बायसनेस की स्टोरी में वी कम अप विद ओवर क्लेमिंग क्रेडिट और उस ओवर क्लेमिंग क्रेडिट में प्रॉब्लम ये होती है कि वी कंसिडर अवर सेल्फ एवरेज हमें यह लगता है कि हर मामले में हम शायद दूसरों से बेहतर हैं एक और प्रॉब्लम जो इसके हवाले से हमें नजर आएगी और वो ये है कि वेन ऑल थिंक द सेम तो फिर लीडर कौन होगा तो फिर फॉलोअर किसको बनना होगा जब सभी अपने आप को बेहतर गर्दान रहे हैं जब सभी अपने आप को परफेक्ट समझ रहे हैं तो फिर लीडर फॉरवर्ड का ताल्लुक खत्म हो जाएगा देयरफॉर हमें ना ही अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना चाहिए ना ही अपने आप को ओवर एस्टिमेट करना चाहिए वी शुड नॉट बी सफरिंग फ्रॉम आइदर इन्फ्रोरिटी कॉम्प्लेक्स और सुप्रियोरिटी कॉम्प्लेक्स हमें बैलेंस्ड वे में चीजों को एनालाइज करना चाहिए और बैलेंस्ड वे में अंडरस्टैंड करना चाहिए अपनी ट्रू कैपेबिलिटीज को

फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रिएट द राइट डेटा जिसमें के हम अपने डिसीजन का ऑडिट भी कर सकते हैं वी हैव टू गेट रिड ऑफ वर्क प्लेस टीरियोटापिकल क्यूज के जिसमें के हमने ग्रुप के नॉर्म्स को एसोसिएट करना शुरू कर दिया उस ग्रुप के तमाम मेम्बरान को और किसी भी किस्म का दूसरा जो जजमेंटल शॉर्टकट है वो भी डिटीरिएट कर देगा आपके फैसलों को और आपकी बायसेज ओवरकम कर जाएंगी लाइकवाइज वी ऑल्सो नीड टू ब्रॉडन अवर माइंड सेट हमें अपनी सोच के होराइजन को ब्रॉड करना पड़ेगा ताकि हम उन फैसलों के ऊपर फोकस कर सकें जो फैसले ऑर्गेनाइजेशन के लिए वाकई फ़ायदेमंद हैं और उस मकसद के लिए एक बड़ा अहम जो एडवाइस की जाती है लीडरशिप के कॉन्टेक्स्ट में और वो ये है कि वी शुड बी पुटिंग अवर सेल्फ इन अदर शू हमें दूसरों की जगह पर होकर सोचना होगा कि व्हाट दे वुड बी फीलिंग हाउ दे वुड बी फीलिंग और उनकी जरूरिया क्या हो सकती है उनके एहसास क्या हो सकते हैं बिकॉज जब तक हम दूसरों की जगह पर अपने आप को रखकर नहीं सोचेंगे तब तक हम फैसले की असल कैफियत को उसकी इम्प्लीमेंटेशन की फेजेस को हम उसके तहत आने वाले लोगों के अमल को वो एवेल्यूएट नहीं कर सकेंगे डियर स्टूडेंट्स अगर हम इस सारी बात को कंक्लूड करें तो याद रखिएगा कि हमारे लिए जरूरी है अपनी बायसेस को ओवरकम करना बिकॉज हमारी बायसेस वो हमारे फैसलों को कंटेमिनेट कर देंगी और हम सही तौर पर नहीं जान पाएंगे कि हम कहां पर फेवरेटिज्म डेमानस्ट्रेट कर रहे थे और कहां पर नहीं देयरफॉर अपना ऑडिट करना सीखिए अपने अंदर सेल्फ अवेयरनेस सेल्फ कंट्रोल एम्पथी मोटिवेशन सोशल इंटेलिजेंस ये तमाम चीजें लानी सीखिए बिकॉज इन्हीं के साथ हम बेहतर तौर फैसले कर सकते हैं थैंक यू